हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आए यामा का ऑथराइज सर्विस सेंटर में आए हैं। तो यहाँ पे एक भर्सन फोर मेरे पीछे खड़ा है। तो इसको इसका जो मेन मेन फीचर्स, इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये पूरा एकदम फुल मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे रखा है, शोरूम वालों ने ही रखा है यहाँ पे। तो आप इस शोरूम से क्या क्या यहाँ पे यामा का ओरिजिनल का प्रोडक्ट है, क्या क्या फिटिंग कर सकते हो, सब कुछ इसमें फिटिंग हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें फिटिंग हुआ है। तो चलो, तो गाइस पहले हम शुरू करते हैं इसका जो मतलब एडजस्टेबल जो क्लच है, ये देख सकते हो एकदम यामा का एकदम ऑथोराइज सर्विस सेंटर से यहाँ पे आप ले सकते हो इस शोरूम से। हम आपको शोरूम का जो एड्रेस है हमको बताएंगे आपको वीडियो में। तो ये देख सकते हो, ये एडजस्टेबल क्लच है और ये है एडजस्टेबल ब्रेक। तो ये एकदम फिटिंग है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये टैंक पैड देख सकते हो आप। ये आप एक्स्ट्रा करके यहाँ पर फिटिंग कर सकते हो, ये शोरूम से ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये दोनों साइड में है, ये लो एक बार देख लो, ये देखो इस साइड में भी है। तो एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है देखो। और इसका कलर भी अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे आके आप देख सकते हो इसका कलर भी अवेलेबल है। और उसके बाद इसका जो सीट कवर, ये देखो सीट कवर का फिनिशिंग देखो, एकदम प्रीमियम लग रहा है देखो। R15 यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। और इसका पीछे वाला सीट कवर आप देख सकते हो, इसमें पीछे का धरने के लिए मतलब ग्रिप करने के लिए इसको दिया हुआ है, एकदम सॉलिड है देख सकते हो, बहुत ही मजबूत है। और इसका जो फिनिशिंग है आप देख सकते हो सीट का। और इसका जो दूसरा तीसरा वाला जो पार्ट है, ये देखो LED इंडिकेटर, ये हम आपको एक बार चला के दिखा देते हैं। तो ये देख लो LED इंडिकेटर है इसमें, देख सकते हो। और पीछे का भी है LED इंडिकेटर, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, देखो दोनों साइड का ही है देख सकते हो। तो उसके बाद जो फीचर्स है आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसमें आपको मिलेगा ये इंजन गार्ड, आप देख सकते हो इंजन गार्ड को, इंजन को प्रोटेक्ट करता है, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, एकदम शोरूम से ही फिटिंग है ये। और इसमें क्या क्या आप लगा सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। आप गाड़ी निकाल लेने के बाद भी लगा सकते हो, और यहाँ से शोरूम से गाड़ी बुक करने के बाद भी आप जो बोलोगे तो ये शोरूम वाला यहाँ से लगा देगा, इंडिकेटर और इंजन गार्ड और ये एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच है। और उसके बाद वो LED इंडिकेटर है और सीट कवर आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ से ही आप फिटिंग कर सकते हो। लेकिन इसका जो चार्जेस है, जो प्राइस है, ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये एक लगा के इसने रखा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ कि कैसा लगेगा। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो एक बार देख लो। और नहीं तो आप मतलब तो इसका थोड़ा लुक को देख लो, ये देखो। तो जो एक्स्ट्रा एक्सेसरी यहाँ पे है, तो ये आप फिटिंग यहाँ पे कर सकते हो, आप ले देखो। और देखो यहाँ पे लिस्ट है एक्सेसरीज का, ये देखो ये फ्लेम स्लाइडर है, ठीक है ठीक है। और इसका जो प्राइस है, ये फ्लेम स्लाइडर का, सॉरी इसको इंजन गार्ड बोल रहा था मैंने, इसको ये फ्लेम स्लाइडर है, ये देखो इसका फ्लेम स्लाइडर का प्राइस है 1650 रुपीज़, ठीक है। और इसका जो सीट कवर है, मतलब इस सीट कवर का इसका जो प्राइस है यहाँ पे दिया हुआ है 5045 रुपीज़, ठीक है। और इसका जो लीवर गार्ड है, ये देखो लीवर गार्ड अभी यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है यहाँ पे दिया नहीं है। तो आप ये भी लगा सकते हो, सीट कवर हो गया। LED फ्लाजर, मतलब ये देखो ये जो LED फ्लाजर है, इसका जो प्राइस है ये 1490 रुपीज़, मतलब करीब 1050 रुपीज़ के आसपास है। और ये जो इंडिकेटर है आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है और जेन्युइन प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मोबाइल चार्जर है जो यहाँ पे इंस्टॉल होता है, या अभी लगा नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जो मोबाइल चार्जर का प्राइस है 750 रुपीज़ है। और ये क्या है, ये क्विक शिफ्टर सिस्टम, मतलब इसमें अगर
ये देखो यहाँ पे क्विक सेक्टर का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसका प्राइस कॉस्ट है 5875 रुपीज़। और इसका जो एक ट्रैंक पैड है जिसका हमने अभी आपको दिखाया, इसका जो ट्रैंक पैड है इसका ट्रैंक पैड का प्राइस है 650 रुपीज़, ठीक है। और अभी यहाँ पे आते हैं, और ये है स्किट पैड, यहाँ पे आप स्किट पैड भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्किट पैड। आप इसका प्राइस है 595 रुपीस। और इसका यहाँ पे एक टैंक पैड लगता है जो अभी यहाँ पे लगा नहीं है, तो ये देखो टैंक पैड का प्राइस है 190 रुपीस, ठीक है। और इसका जो क्लच ब्रेक लीवर है, ये देखो जो ब्रेक लीवर है एडजस्टेबल वाला ब्रेक लीवर है, तो इसका जो प्राइस है जो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ऑलरेडी, इसका जो प्राइस है आप देख सकते हो 950 रुपीस। और यहाँ पे जो लीवर गार्ड रहता है, ऐसे वाला जो लीवर गार्ड रहता है, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये देखो लीवर गार्ड आप देख सकते हो, लीवर गार्ड का भी प्राइस है 900 रुपीस, आप लगा सकते हो। और फ्यूल कैप प्रोटेक्ट, मतलब इसमें एक फ्यूल कैप प्रोटेक्ट आता है, तो इसका जो प्राइस है ये 90 रुपीस है। और ट्रैंक पैड इसका भी 190 रुपीस है, मतलब दोनों ट्रैंक पैड है, ठीक है। यहाँ पे एक है जो टैंक पैड ए 190 है, और ए डिज़ाइन भी 190 का है, ठीक है। और इसका जो ग्रिप कवर है, मतलब यहाँ पे जो ग्रिप कवर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो आप चाहे तो इंस्टॉल करा सकते हो नया गाड़ी पे, तो इसका ग्रिप कवर का प्राइस है 150 रुपीज़। और ये कुछ हेलमेट हैं यहाँ पे, आप गाड़ी के डिज़ाइन में ले सकते हो। इसका जो मॉडल है ये है YR8 और YRF है, ठीक है। इसका प्राइस आप देख सकते हो, YR7 है, YR8 है। और यहाँ पे जो मतलब इंजन ऑयल है आप देख सकते हो, यामा कूलेंट है यहाँ पे 250 रुपीज़ का। और यामा का ये जो इंजन ऑयल है ये 513 रुपीज़ में पड़ता है। और यामा का ये PA कार्बन क्लीनर है, यामा का ये जो है RS4GP 1 लीटर 3W50 है, इसके MRP है 13 रुपीज़, मतलब 1300 रुपीज़। और इसका जो फ्रंट फॉर्क ऑयल है, मतलब आप एंड साइड डाउन में जो फॉर्क ऑयल लगता है उसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, उसका प्राइस है 188 रुपीज़। तो ये जो एक्सेसरी है, आप यहाँ पे सब एक्सेसरी आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा सकते हो, R15 वर्जन 4 में भी लगा सकते हो और M में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ सेम टू सेम इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, R15 वर्जन 4 जितना भी मॉडल है सब मॉडल में भी लग जाएगा, ठीक है। तो चलो सब कुछ हम आपको बता दिया है, तो एक बार इसका लुक देख लो मॉन्स्टर वाला, तो देख सकते हो। और एक बात आपको दिखाना है, ये जो M मॉडल है, M मॉडल का जो मीटर कंसोल अभी चेंज हुआ है, तो अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो इसका जो मीटर का, देखो मीटर कंसोल देखो, इसका VVA टेक्नोलॉजी है, इसमें टेक्सन कंट्रोल है, उसमें भी टेक्सन कंट्रोल है। तो यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ TFT डिस्प्ले है, ठीक है। और इसका डिस्प्ले देखो, इसका देखो ये पुराना में जो आता है आप देख सकते हो। और ये वर्सन 4 इस वाला मॉडल में ब्लू एडिशन में नहीं आता है, ठीक है, ये सिर्फ एम एडिशन में किया है। तो देख सकते हो एकदम ज़बरदस्त लग रहा है भाई, पूरा एकदम R1, एकदम ओरिजिनल R1 की तरह कर दिया है ये लोग। मतलब क्या कर रहा है यार, 150 cc में, मतलब 150 cc में इतना सारा फीचर्स डाल दिया है इसने कि एकदम सुपर बाइक की तरह लगा, मतलब फील देगा। क्विक शिफ्टर है, एकदम स्लीपर क्लच है, तो एक एडिशन है, ये मैट ब्लैक एडिशन है, आप देख सकते हो। इसका भी वो पुराना वाला मीटर कंसोल है, सिर्फ M में ही मीटर कंसोल आता है, तो देख लो। ये लोगो बगाड़ा, इसका कलर आप देख सकते हो। और ये भी एक मॉडल है जो वाइट कलर में आया है अभी, इसका अड़ी एलॉय का कलर देख सकते हो। और चलो इसका भी मीटर कंसोल दिखाता हूँ, तो इसमें अभी बैटरी इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो एक बार देख लो, ये वाइट कलर में है। और ये दोनों यहाँ पे खड़ा है और ये यहाँ पे खड़ा है। तो चलो वीडियो अभी यहाँ पे एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई सब लोग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके टाटा। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then-
then you know I'm gon' feed him. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so